हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर लेके आई हूँ एक सिंपल सी दाल की रेसिपी। आप दाल फ्राई बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारा ऑयल बटर एंड घी है। बाकी तो इसमें दाल फ्राई वाली अलग अलग दाल या ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल तुअर दाल को एक दाल फ्राई जैसा तड़का दिया है। सो इसमें मैंने लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें 1 फिंगर जैसे ऐसा लॉन्ग कट किया हुआ बटर ऐड किया। बटर मेल्ट होने के बाद उसमें डाला चिलीज, गार्लिक कट किया हुआ, 7 से 8 क्लोव डाला है, 2 चिली डाले हैं, थोड़ा मीडियम क्या बोलते हैं कट करके, बहुत ही बारीक नहीं डाला है क्योंकि वो फिर तीखा हो जाता है एकदम। फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे बटर में। देन इसमें हम ऐड करेंगे ओनियन को मैंने ना ही एकदम बारीक और ना ही मोटा ऐसा, बट एक यू नो स्क्वायर स्टाइल में बट छोटा काटा है, एकदम बारीक नहीं किया है जिससे वो एकदम ही गल जाए। और दाल फ्राई में अगर हम थोड़ा सा क्रंची रखेंगे तो अच्छा लगता है। देन मैं एक्चुअली जीरा डालना भूल गई थी, सो मैंने ओनियन वगैरह साइड किया और जो ऑयल बीच में आता है साइड में तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और उसको मतलब वैसे उसमें ऐड कर दिया ऊपर से, बट आप भूलना नहीं। ये एक्चुअली एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से बनाने में वो सब गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देन इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो दाल मैंने बॉईल करके ऑलरेडी साइड में रखी थी तो उसको बॉईल करते वक्त मैंने उसमें हल्दी पाउडर और नमक ऐड किया था, सो इसलिए इसमें नमक नहीं ऐड करूँगी। इसको ऐसे ही भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मसाले करीब करीब 2-3 मिनट तक। फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी ऐसा एक क्या बोलते हैं स्मैश होने लग जाए, उतना कुक हो जाए ना कि स्पून से अगर आप प्रेस करो तो वो ये हो जाए, तब जाए उस लेवल तक लाके कुक करना है। देन उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे दाल जो ऑलरेडी कुक करके रखी थी वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ अब इसमें दाल में मैंने सिर्फ तुअर दाल लिया है। अगर ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाते हैं ना दाल फ्राई, तो उसमें चने की दाल भी होती है और एक दाल होती है शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो भी किसी दिन ट्राई करेंगे। बस ये कैसा एक तुरंत होने वाला और थोड़ा चेंज के लिए ये दाल ठीक है, क्योंकि ये दाल थोड़ी गाढ़ी बनती है। बस वही है, अभी इसमें पानी जो डलेगा वो इतना ही डलेगा जिसमें वो कुकर में बची हुई दाल आ सके, उससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। कभी कभार वंस इन अ वाइल के लिए ये दाल ठीक है, वरना नॉट एवरी डे, बिकॉज इसमें बटर है, बहुत सारा ऑयल है और एक इंग्रेडिएंट है इसके बाद जो एवरी डे खाना प्रिफर ना करें ज़्यादातर लोग। मैं भी नहीं करती, ये दाल एवरी डे नहीं बनती, जब मैं किचन में आऊँ तभी ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ, वरना नॉर्मल प्लेन दाल बनती है जैसे यूजुअली कुकर में टमाटर वगैरह उबाल के एक साथ ही बनाते हैं तड़के वाली। सो यहाँ पे ये जो बॉईल होने लग जाता है दाल, उसके बाद हम इसमें वो इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसका मैं यू नो जिक्र कर रही थी थोड़े टाइम पहले, धनिया गार्निशिंग के लिए
और जो एक टेस्ट एलिवेट करना रहता है ये दाल में, वो होता है देसी घी के साथ। ये धनिया मिलाने के बाद इसमें मैं डालूँगी करीब करीब 2 अच्छा खासा टेबलस्पून घी। मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ बट मैं आपको बता रही हूँ उसमें एक्चुअली उतना ही था तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया, बट प्रॉपर घी डालिए तो एक उसको एक अलग फ्लेवर आता है, जो बटर का यूनिकनेस है तड़के में, ऊपर से घी डाल के खाओ। एक्चुअली आप जनरली हर रोज़ भी ये दाल नॉर्मल दाल में 1 टेबल स्पून घी डालो के खाओगे तो आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा है। सो बस ये हो गई हमारी दाल रेडी, सर्व हो चुकी है और खाने को रेडी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।